हैप्पी रक्षाबंधन पिल्लू। हैप्पी रक्षाबंधन मम्मी। हैप्पी रक्षाबंधन सबको। आज मेरे राखी फूल बांध के लेकिन आ देखा कोई दीदी आसी जिक्की बांधेगी। कोई नहीं, मेरे पास तो पहले ही राखी पड़ी है। और देखो मेरी तरह की आई है क्योंकि मन आ रहा कि पसंद है। जानवर आ जाए तो जानवर ना मैं कुचन कुचलाने के लिए जो मन पकड़ के बिन भी आऊं। रुक जा मेरे सागे चाल। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो आज मम्मी गए थे वहाँ घूमने, भारतमाला रोड निकलती है हमारे घर के पास से ही, तो वहाँ घूमने गए थे। तो राघव बोल रहा है मुझे जाना है क्योंकि आज उसकी छुट्टी है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। हाँ, अभी थोड़ी दूर घूम के आ रही हूँ मैं भी इसके साथ जल्दी। मैंने कहा चलो इसके बहाने से मुझे भी मौका मिल गया घूमने का, तो चलिए चलते हैं। ये है मूंग की फसल, काफ़ी अच्छी हो रखी है, बहुत ही अच्छे मूंग लगे हुए हैं, फलियां लगी हुई है इसमें। कुछ आधी पक चुकी है, कुछ लगी हुई है हरी है। देख रही हूँ अगर कहीं बाहर लगे हुए तो दिखाऊंगी मैं, यहाँ तो तार लगी हुई है तो अंदर जा नहीं सकते। खुजली ना भैया ना करा तो गुआर का मन तोड़ के देखो मदद। तो देखिए गाइस, ये हमने फलियां तोड़ के लेके आए थे और इनको ना ऐसे साफ करना पड़ता है। ये आगे का जो हिस्सा है इसका, इसको भी तोड़ना पड़ता है और ये जो पीछे का हिस्सा है इसको भी तोड़ के इसको साफ करना पड़ता है सफाई। तो ये हमने थोड़ी बचा ली है और जो बाकी थी वो हमने साफ कर ली थी और इनकी मैंने सब्जी भी बनाई है अभी। तो ये देखिए, ये हमने बनाई है सब्जी, बहुत ही स्वाद बनती है इसकी सब्जी। प्याज का बस तड़का दिया है इसमें और कुछ नहीं, और मसाला डाला है और बाकी बस ये फलियों की सब्जी बनी है। थोड़ी मिर्च ज्यादा रख के सब्जी बनानी पड़ती है क्योंकि ये हरी सब्जी है, तो मिर्ची थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है, लाल मिर्ची। और वैसे आप इसमें टमाटर और हरी मिर्च वगैरह डाल सकते हो, लेकिन मुझे सिर्फ प्याज का तड़का इसमें पसंद है। तो मैंने ये बनाया है और मम्मी और राघव गए हुए हैं हमारे यहाँ पड़ोस में, एक घर में किसी के गुरुद्वारा साहब बनाया हुआ है, तो वहाँ पर लंगर लगता है, 3 दिन चलेगा लंगर। आज उसका फर्स्ट डे है, तो वहाँ पर मम्मी और राघव दोनों तैयार होके गए हैं, तो वो लोग वहाँ चले गए हैं, मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई।
तो गाइज उसके बाद मैंने साफ सफाई वगैरह कंप्लीट कर ली थी और राघव को भी नहला दिया था और थोड़ी देर आराम किया था। उसके बाद ये शाम का टाइम है, 4 बज चुके हैं और ये हैं राघव की दीदी जो उसे राखी बांधने के लिए आई है। बट सिर पर हाथ रख। आया कोई नहीं दे। गाइस तो अभी आई थी राघव की दीदी, मतलब हमारे पड़ोस में ही है उनका घर और मम्मी और के साथ उनके मम्मी पापा यानी कि उनके मम्मी पापा मेरे जेठ जी लगते हैं, इनके पापा मतलब फौजी साहब के बड़े भैया लगते हैं। उनकी बेटियां आई थी, दो लड़कियां हैं उनकी, तो वो दोनों आई थी राघव को राखी बांधने के लिए। तो छोटा सा सेलिब्रेट किया था वो, मैंने आपको दिखाया है, तो काफ़ी अच्छा मतलब लगा क्योंकि वो सुबह से बोल रहा था कि मम्मी मेरी कोई बहन नहीं है, कौन राखी बांधेगा ये वो, तो अच्छा लगा। उसकी दादी जी ने बुलवाई थी उन्हें और बस वो अभी चली गई हैं और शाम का टाइम हो चुका है, अभी मैं उसको होमवर्क करवाऊंगी। हेलो गाइस, तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे गुरुद्वारा साहब, जा रहे थे लंगर खाने के लिए क्योंकि पापा जी आए थे शाम को, लेट आए थे, तो उन्होंने बोला कि चलो साथ में चलते हैं सब लोग। तो यहाँ हम लोग जा रहे थे, रास्ते में थे और यहाँ पर एक झूला लगा हुआ है किसी घर के आगे और यहाँ पर देखिए दादा पोता की मस्ती चल रही है, खूब इन्होंने झूले लिए और मस्ती की। बस क्या बस, हाँ क्या ही है क्या बस। तो यहाँ पर हमने लंगर का प्रसाद ले लिया था और इसके बाद भी देखिए इनकी मस्ती यूँ ही चल रही है, अभी मम्मी लगे हुए हैं इसके साथ झूले लेने के लिए। तो बस गाइज यही था हमारा ब्लॉग, इसके बाद हम लोग घर आ करके होमवर्क किया था। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल जोहान ब्लॉग्स को। थैंक यू, बाय बाय।